आज सरकार के द्वारा लैंड एजुकेशन बिल 2020 जो सरकार के द्वारा जो लाया गया है, जिसका हम लोग सामाजिक संगठन की ओर से, केंद्रीय सरना समिति की ओर से, तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन इसका जोरदार तरीके से विरोध करती है। क्यों करती है विरोध, इसको जानने और समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज हम किसी भी जमीन समस्या को लेकर अंचल में जाते हैं, और अंचल में अगर मान लीजिए कि आपका ज़मीन है और किसी गलत के नाम से अगर चढ़ा दिया जाए और गलत के नाम से दिखा दिया जाए कि यह ज़मीन आपका नहीं किसी और का है, अगर मान लीजिए कि अगर हमें ज़मीन सुधारना हो या फिर ये नहीं सुधरे, और मान लीजिए कि अगर लोग जाना चाहे कोर्ट में कि मेरी ज़मीन गलती हो गई है, कर्मचारी सुधार नहीं पा रहे हैं, वहाँ का जो भी CO CI हो, DC हो, या जो भी ज़मीन संबंधित जितने भी अधिकारी हो, अगर उस अधिकारी को हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारी ज़मीन भू माफियाओं के द्वारा और अंचल कर्मियों के द्वारा धड़ल्ले से लूटी जाएगी, जो कि लोग यहाँ के जो भी आदिवासी और मूलवासी हैं वो पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे। तो इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं, पूरे सामाजिक संगठन विरोध करती है, ताकि ये बिल को पुनः सरकार संशोधन कर लागू करे। इसी तरह के ज़मीन बचाने के लिए योजना बनानी चाहिए सरकार को, जो कि सामाजिक धार्मिक ज़मीन के साथ साथ जो भी यहाँ की रैयती ज़मीन है, आदिवासी मूलवासी की जो भी ज़मीन है, उसे कैसे बचाया जाए, इस विषय पर सरकार को विचार करनी चाहिए और ऐसे योजनाओं को पूरी तरीक़े से लागू कर लाना चाहिए, ताकि जो जनता हित कर हो। हमें ही चाहते